आज के इस चुनावी विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी सम्माननीय श्रवण चौधरी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विकास भारकर जी, पूर्ण सिंह जी मंडल अध्यक्ष, सरोज जी जिला मंत्री, राम प्रसाद सरपंच जी, बहन फोकाट जी, हमारे महावीर भोजदेसर जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सबसे पहले तो सालासर बालाजी को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात प्रारंभ करता हूं। साथ ही साथ लक्ष्मीनाथ महाराज जी को भी नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात शुरू करता हूं। मित्रों, ये चुनाव की बेला है और चुनाव में आप सब लोगों ने अपना मत 25 तारीख को डालना है। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी आपसे अपना मत मांगेगी और आप सब लोगों में जो मैं जोश देख रहा हूं, उसमें ये विश्वास हो गया है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया। लेकिन मन बनाने के साथ साथ मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि सिर्फ आपका ही वोट नहीं चाहिए मुझे, आपके मोहल्ले का, आपके पड़ोसी का, आपके परिवार का, सभी लोगों का मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होना चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट से, आपके उमंग से, आपके जोश से मैं इस निष्कर्ष पर तो पहुंच गया हूं कि आपने श्रवण चौधरी जी को विधानसभा में भेजने का मन बना लिया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यह मन सिर्फ श्रवण चौधरी जी के लिए नहीं है। श्रवण चौधरी जी हमारे माध्यम हैं, जिस माध्यम से आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति को हम तय करेंगे। और जब मैं तय करने की बात बोलता हूं तो मैं आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूं। आज गहलोत की 5 साल की सरकार ने और गहलोत की नीयत में खोट ने राजस्थान को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। राजस्थान को ग्रहण लग गया है। राजस्थान जो वीरों की भूमि, शहीदों की भूमि, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि, अध्यात्मवाद से ओतप्रोत भूमि, संस्कारों के लिए जाने जाने वाली भूमि, आज उस भूमि को, उस राजस्थान को गहलोत की सरकार ने कलंकित किया है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज बताइए राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर एक पर खड़ा है कि नहीं? बोलो, नंबर एक पर खड़ा है कि नहीं? महिलाओं के उत्पीड़न में एक नंबर पर खड़ा है कि नहीं? किसानों को धोखा देने में नंबर एक पर खड़ा है कि नहीं? आप बताइए, दलितों पर अत्याचार में एक नंबर पर खड़ा है कि नहीं? और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करने में राजस्थान को आगे गहलोत ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? इसको, ये जो कलंक लगाया है, इसको धोना है कि नहीं धोना है? अगर धोना है तो धोने का माध्यम है श्रवण चौधरी, ये आपको याद रखना चाहिए। और मैं जब आपसे बात करता हूं भ्रष्टाचार की, मैं बार बार सब जगह जाता हूं तो बताता हूं, आप बताओ, मैं पहली बात समझ लो, जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां महिलाओं पर अत्याचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां व्यभिचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां लूट होगी, जहां कांग्रेस होगी वहां गफलत होगी,
जहां कांग्रेस होगी वहां छलावा होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां घपलेबाजी होगी, और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां तरक्की होगी, विकास होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, युवाओं को रास्ता दिया जाएगा, किसानों को ताकत दी जाएगी, युवाओं के साथ खड़े होने वाली सरकार बनेगी। ये हमको याद रखना चाहिए। मैं भ्रष्टाचार की बात सुनाऊं, आपको याद है ना, पेपर लीक पर तो बाद में आऊंगा, पहले इनके बड़ों बड़ों के तो घोटाले सुना दूं। बोलो पंडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो ट्यूजी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? तो देखो, ना आकाश छोड़ा, ना समुद्र छोड़ा, ना पाताल छोड़ा, ना धरती छोड़ी, छोड़ा किसको ये घपलेबाजों ने, ये हम जानना चाहते हैं। और तो और बताओ, गहलोत ने वृद्धावस्था पेंशन पे घोटाला किया कि नहीं किया? ओ, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा, वृद्धाओं को भी नहीं छोड़ा। कितने का घोटाला किया? 450 करोड़ रुपए। छोटा मोटा काम नहीं करते, बड़ा काम, 450 करोड़। आप बताइए, इसके भाई ने किसानों का सब्सिडी का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया? अब इसको भी एक्सपोर्ट कर देना। आप बताइए, इसके रिश्तेदारों ने 11,000 करोड़ रुपए का ठेका लिया कि नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया? अब इसका ठेका 25 तारीख को बंद कर देना। मित्रों, अगर मैं बात करूं भ्रष्टाचार की, तो मैंने तो आपको बताया ही, लेकिन मैं महिलाओं की बात करना चाहता हूं। आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में, एनसीआरबी में, राजस्थान रेप में नंबर एक हो गया। पिछले दो महीने में 118 रेप केस हुए। अभी चार दिन पहले दौसा में एक सब इंस्पेक्टर ने 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। बोलो, ये रक्षक भक्षक बन गए, ये गहलोत की सरकार है क्या? चूरू भूल गए आप? क्या भीलवाड़ा भूल गए? क्या अलवर भूल गए? क्या बाड़मेर भूल गए? कौन कौन सी घटनाएं सुनाएं? महिलाओं का उत्पीड़न में राजस्थान नंबर एक पर है। आप श्रवण चौधरी को चुनाव जिता के भेजना, राजस्थान महिला सम्मान में नंबर एक पर हो जाएगा, यह भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप बताइए, इसने किसानों को धोखा दिया कि नहीं दिया? बोला कि नहीं बोला कि कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन के अंदर? और एक और नेता आए थे, बोले 1, 2, 3, 4, आजकल मिलते नहीं, आजकल मिलते नहीं। आप बताओ, कर्जा माफ हुआ क्या? माफ हुआ क्या? 19,400 किसानों की भूमि कुर्क हुई है, 19,400 किसानों की। ऐसे ऐसे किसान विरोधी सरकार चाहिए क्या? रहने दोगे क्या? श्रवण चौधरी जी को भेजोगे ना? अब आपको धार्मिक उन्माद की बात, ये शांत प्रिय प्रदेश था, शांति में रहते थे लोग, यहां नारे लग गए सर तन से जुदा, यहां रामनवमी के शोभा यात्रा को रोका कि नहीं रोका गहलोत ने? कांवड़ यात्रा रोकी कि नहीं रोकी? आप बताइए, 300 साल पुराना शिवालय ढाया कि नहीं ढाया? अब तुमने गहलोत को रोक देना और इसका किला ढा देना, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 19 संतों की हत्या हुई है, 19 संतों की। क्या राजस्थान बन गया? कैसी स्थिति आकर के खड़ी हुई? अगर मैं बात करूं, हमारे नौजवान बोल रहे थे पेपर लीक, बताओ पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? वन रक्षक भर्ती में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? टीचर की भर्ती में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मित्रों, 19 बार पेपर लीक हुए, 19 बार, याद रखना। और 19 तारीख का, 19 बार के पेपर लीक का बदला लेने का तारीख होगी 25 तारीख, 25 को श्रवण जी को चुनाव जिता करके भेज। पेपर लीक, क्या भ्रष्टाचार किया हुआ है? और आपको याद है, मैं सब खाली याद दिला रहा हूं, बताओ
यहां के सेक्रेटेरिएट वो योजना भवन बोलते हैं शायद, वहां 2,31,00,000 रुपए मिले कि नहीं मिले, 1 किलो सोना मिला कि नहीं मिला, ये सेक्रेटेरिएट में क्या कर रहा था भाई, ये पैसा क्या कर रहा था, किसका है? और लाल डायरी याद है, लाल डायरी याद है, लाल जादू सुना था, लाल टोना सुना था, ये लाल डायरी भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार। और क्या बोलता है, अभी एक इंटरव्यू में बोला ये बीजेपी वालों का काम है। मैंने कहा मंत्री बनाओ तुम राजेंद्र गुड़ा को, वो रहे तुम्हारा मंत्री, पार्टी में जोड़ो तुम, और तुम्हारा मंत्री तुम्हारे सामने विधानसभा के अंदर तुम्हारी काली करतूत लाल डायरी में लेकर के आता है, इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है? बोलो, ये लाल डायरी वालों को छुट्टी करोगे? छुट्टी करोगे? इनको इनको रास्ता दिखाओगे? मैं दूसरी तरफ बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, आप बताइए मोदी जी के राज में भारत आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आप बताइए मोदी जी के राज में महिलाओं को उज्ज्वला योजना मिला कि नहीं मिला, आवास योजना मिला कि नहीं मिला? और आप बताइए मोदी जी के राज में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिला कि नहीं मिला? कोई भूखा न सोए ये काम हुआ कि नहीं हुआ? आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, 5वें नंबर की। और फिर से श्रवण चौधरी को चुनाव जिताना और 2024 में मोदी जी को फिर से लाना, भारत 2 साल के अंदर 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ये भी आपको बताना चाहिए। आप बताइए एक एक बात तो बताना भूल ही गया अपने किसान भाइयों को और अपने आप लोगों को, ये चोरों की सरकार कैसी है? गुजरात में पेट्रोल और डीजल 12 रुपए लीटर कम, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल 12 रुपए कम, हरियाणा जो आपसे आपके प्रदेश से लगता है वहां पेट्रोल और डीजल 12 रुपए कम, मध्य प्रदेश में भी 12 रुपए कम, और यहां गहलोत सरकार ने 12 रुपए लीटर बढ़ा रखा है डीजल और पेट्रोल का। हम समीक्षा करेंगे और इनकी छुट्टी करेंगे और किसानों को और आम आदमी को रियायत दिलाएंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उसी तरीके से जैसे मैंने विकास के बारे में कहा, 9 साल पहले आपके पास जो मोबाइल होता था ना, उस पे लिखा होता था मेड इन चाइना, आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। एप्पल 97% मोबाइल आज यहां बन रहा है। 9 साल पहले आपके पास छोटी आंख वाले गणेश जी आते थे चाइना से, वो चाइना में छोटी आंख होती है ना, तो गणेश जी की भी छोटी आंख बनाई होती और वो मूर्ति आपको आप लोगों के यहां लिया करते थे। मोदी जी ने मन की बात में कहा कि चाहे खिलौना हो चाहे मूर्ति हो, अब भारत में बनेगी। आज भारत 3रे नंबर का इसका एक्सपोर्टर बन गया है, ये भी हमको याद रखना है। इस बात में हम 2रे नंबर पर खड़े हैं। इस बार दिवाली में 55 लाख गाड़ियां बिकी, 55 लाख गाड़ियां, भारत 3रे नंबर का, 3रे नंबर का, आज भारत 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। तो बताओ मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए भारत माला में 54,000 करोड़ रुपए आपको मिल, 44,000 करोड़ रुपए मिले कि नहीं मिले भारत माला के प्रोजेक्ट में? आप बताइए नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए सीकर का रेलवे स्टेशन नया बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब आपको 2 साल बाद जब आप सीकर का रेलवे स्टेशन देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये एयरपोर्ट है कि रेलवे स्टेशन, ऐसा चमकेगा। बताओ सीकर को मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया? मिला कि नहीं मिला मेडिकल कॉलेज? मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था उस समय, सुमेधानंद जी हमारे सांसद जो अभी भी सांसद है, उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज देना है। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, प्रधानमंत्री जी ने बोला हमसे पूछते क्यों हो, करो जल्दी करो और सीकर को भी मेडिकल कॉलेज दो, और सीकर को मेडिकल कॉलेज मिला। आपके यहां 9 साल पहले 14 ट्रेनें आती थी, आज 49 ट्रेनें आ रही हैं। 49 ट्रेन नैरो गेज से ब्रॉड गेज हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ये आम आदमी को सुविधा दी गई।
सड़कें बनाई गई, रोड बनाए गए और विकास की एक नई कहानी लिखी गई। मित्रों, मैं यहां आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि आप हमारी सरकार लाएंगे तो हम जो करने वाले हैं वो भी आपको बता देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी आपको 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी भेजते हैं। आपने श्रवण चौधरी जी को चुनाव जिता के भेज देना, साल के किसानों को 12,000 रुपए मिलेंगे। गेहूं की खरीदी एमएसपी के ऊपर 2,700 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा और जिन किसानों की भूमि ली गई है उनको हम कंपनसेशन पॉलिसी के तहत उनको हम कंपनसेट करेंगे, उनको हम न्याय दिलाएंगे। इसके साथ साथ हमारी माताएं इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, श्रवण चौधरी जी को चुनाव जिताइएगा। मैं फिर बोलता हूं, यह चुनाव व्यक्ति का नहीं है, यह चुनाव पार्टी का है, यह चुनाव राजस्थान के विकास का है, यह चुनाव राजस्थान के अस्मिता का है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और मैं कहूंगा श्रवण चौधरी जी को चुनाव जिताइएगा। बहनों को बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने तय किया है कि हम लाडो प्रोत्साहन योजना चलाएंगे और लाडो प्रोत्साहन योजना में जो बच्ची पैदा होगी उसी दिन उसको 2,00,000 का एश्योरेंस बॉन्ड हम भर करके देंगे। और ये 2,00,000 का एश्योरेंस बॉन्ड ऐसा होगा कि जब बच्ची 6 साल की हो जाए, छठी कक्षा में पहुंचेगी तो साल का 6,000 रुपए मिलेगा, जब 8वीं में पहुंचेगी तो साल का 8,000 मिलेगा, जब वो 10वीं में पहुंचेगी तो साल का 12,000 मिलेगा और जब वो कॉलेज जाएगी तो उसको 50,000 रुपए मिलेगी और जब वो 21 साल की हो जाएगी तो उसको 1,00,000 रुपए मिलेगा। जब बच्ची मेरिट में आएगी 12वीं कक्षा में तो उसको फ्री में स्कूटी दी जाएगी और गरीब बच्चों के लिए साल का 1,200 रुपए हम उनकी यूनिफॉर्म के लिए और उसके पुस्तक के लिए देंगे। तो इस तरीके से विकास करने का काम तय किया है। और माताओं बहनों को मैं ये भी बताना चाहता हूं, हर सिलेंडर पर 450 रुपए की सब्सिडी हम देंगे और सिलेंडर आपको सस्ता देंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। मित्रों, जो सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों ने माइनिंग में घोटाला किया, जिन लोगों ने जल जीवन मिशन में अपनी जेब गर्म की, जल जीवन मिशन को जेब भरो कमीशन बना दिया, जिन लोगों ने भर्ती में घोटाला किया, जिन लोगों ने मिड डे मील में घोटाला किया, जिन लोगों ने वृद्धा पेंशन में घोटाला किया, जिन लोगों ने फर्टिलाइजर में घोटाला किया, हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे, SIT बनाएंगे और उस SIT के माध्यम से जो दोषी पाया जाएगा, जिसने घोटाला माइनिंग में किया, जिसने घोटाला किया फर्टिलाइजर में, चाहे वो अशोक गहलोत का भाई क्यों ना हो, जिसने घोटाला किया ये भर्ती में, जिसने घोटाला किया मिड डे मील में, जिसने घोटाला किया वृद्धा पेंशन में, हम इंक्वायरी बैठाएंगे और दोषी को जेल के सीखचों के अंदर डालेंगे, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, हमारे नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, उनको बता देना चाहता हूं, मोदी जी ने पिछले 6 महीने में 6,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया है और हम वायदा करते हैं कि आपने हमारे चौधरी जी को भेज देना और श्रवण जी को भेजने के साथ साथ 5 साल के अंदर हम 2,50,000 लोगों को नौकरी देंगे और उनको हम विकास के साथ जोड़ेंगे। उसी तरीके से हम भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें 40,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 15,000 नए डॉक्टर लगाएंगे और 20,000 पैरामेडिक लगाएंगे, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल अगले 5 साल तक देंगे, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। इसलिए मित्रों, आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, श्रवण चौधरी जी हमारे बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं और हम जानते हैं कि ये शिक्षक रह चुके हैं। शिक्षक व्यक्ति जो होता है वो समाज को दिशा देता है, दृष्टि देता है और समाज को सही रास्ते पर ले जाता है। बताइए, श्रवण जी को चुनाव जिताएंगे ना, जिताएंगे ना? मैं भी उधर से आवाज सुनना चाहता हूं, जिताएंगे ना, जिताएंगे ना? राजस्थान का विकास करेंगे ना?
फतेहपुर का विकास करेंगे ना, सीकर का विकास करेंगे ना, सभी मां बहनों को ताकत देंगे ना, किसानों को हम आगे बढ़ाएंगे ना, ये सब बढ़ाने के लिए श्रवण चौधरी जी के लिए कमल के बटन पर दबाएंगे ना, 25 तारीख जिताएंगे ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।